हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बता रही हूँ, जिसका नाम है अलमंडा प्लांट। और ये प्लांट के नाम के साथ साथ इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, जो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर का कलर है मेरे पास सेमी वाइन कलर है, और इसमें कहीं कलर्स के फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, कहीं वेराइटी होती है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हमें जो अलमंडा प्लांट है उसकी कैसे केयर करना है, उसे कितने टेम्परेचर में हमें रखना है, और वाटरिंग कैसे करना है, कितना करना है फर्टिलाइज़र, इसकी सोइल कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी, इसकी फुल केयर के बारे में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, जो ये मेरे पास एक प्लांट है, तो हम इसके मिनी कहीं प्लांट ग्रो कर सकते हैं इस एक प्लांट से फ्रेंड्स। तो इसका फ्लोर आप देखो कितना शानदार है और बड़ा भी है, और ये सुबह मॉर्निंग में तो और पूरा अच्छे से खिला हुआ था, बट अभी यहाँ पर थोड़ी बारिश की बूंदें भी आई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लोवर जो है इस तरह से हो गया है फ्रेंड्स। इसमें कहीं ये जो है, ये जो अलमंडा प्लांट है, एक समर फ्लोरिंग प्लांट है। इन समर में कहीं फ्लावर ब्लूमिंग होते हैं, और समर प्लांट होने के साथ साथ इसमें जो 12 महीने जो है फ्लोरिंग ब्लूमिंग होती है, बट समर में इसमें ज़्यादा फ्लोरिंग ब्लूमिंग होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मेरे पास ये एक प्लांट है, और इसमें ये एक फ्लोवर तो 3-4 दिन हो गए हैं इसे ब्लूमिंग हुए, और ये फ्लावर कल ब्लूमिंग हुआ था। और फ्रेंड्स, इसमें देखो बहुत सी बर्ड्स बन रही है, एक बर्ड्स ये रही और ये दो बर्ड्स और इधर बन रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है फ्रेंड्स। मैंने इसे जो है, आप देख सकते हैं, छोटे पॉट में ही लगा रखा है, इसे ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, तो भी कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है ये फ्रेंड्स। मैंने इसे जो है 6 महीने पहले लगाया था, जब बारिश टाइम चल रहा था, उस टाइम मैंने इसे जो एक ब्रांच से लगाया था, ओनली एक ब्रांच जो रहती है, इस तरह से ब्रांच काट के, और मैंने इसे ग्रो करा था। और बारिश टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। अगर हम इस प्लांटों को अभी समर में अगर इसकी ब्रांच लगाएंगे तो शायद ही वो ब्रांचेस चल पाएगी, बट इसकी जो अगर हमें इसकी ब्रांच जब भी लगाए, तो आप बारिश टाइम में इसकी ब्रांच ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। ये जो प्लांट है, इसकी सनलाइट की बात करते हैं, तो ये जो सनलाइट, फुल सनलाइट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है, इसे फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है। या हम इसे ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप आती हो, तो वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मैंने इसे ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर मेरे वैसे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर सनलाइट आना, और 3-4 बजे तक यहाँ पर सनलाइट आती है। तो फ्रेंड्स, इसे सबसे पहले तो आप फुल सनलाइट में ही इसे ग्रो करें। और मिट्टी की बात करूँ, तो मैंने मिट्टी सभी प्लांट के लिए एक जैसी ही मैंने बना रखी है, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी करी थी कि हमें अपनी मिट्टी के लिए कैसे मिट्टी प्लांट के लिए कैसे सोइल रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता दूँ, मैंने इस मिट्टी में जो मिट्टी है और उसमें जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है 3-4 साल पुरानी, वो मिक्स करके जितना मैं अगर सोइल लेती हूँ, तो उसमें उससे थोड़ा कम जो है सड़ी हुई खाद, इसमें गोबर की जो सड़ी हुई खाद रहती है, वो मिक्स करके और ये करती हूँ। और फ्रेंड्स, हमें जो है मंथली में तो हमें इसमें जो फर्टिलाइज़र बना के डालना ही है, और पर हम जो फर्टिलाइज़र बनाए वो या तो हम सड़ी गली जो हमारे पास हमारे किचन का वेस्ट जो पिल्स निकलते हैं, छिलके निकलते हैं, उसकी बना सकते हैं, या हमारे पास जो कंडे होते हैं हम उसकी बना सकते हैं, या हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं फ्रेंड्स। जितना हम इनके लिए फर्टिलाइज़र, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को ख़राब भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, हम इसे वेल की तरह चला भी सकते हैं, हम चाहे तो इसका वेल कई रेलिंग पे भी इसकी वेल चला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये एक अच्छा सा प्लांट बना रहे, अच्छा सा खूबसूरत सा प्लांट है, तो हम इसकी जो पिंचिंग करते रहे, कटिंग करते रहें, तो ये एक अच्छा सा प्लांट बना रहेगा फ्रेंड्स। जैसे अगर हम इनकी जो ब्रांचेस अगर इस तरह से कट कर देते हैं, तो यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलने लग जाती। ये मेरे एक ही ब्रांचेस थी, पर मैंने ये वाली एक ही निकल रही थी, मैंने यहाँ से फिर इसको थोड़ा अलग कर, बीच में से छोटा था जब, तो ये मैंने इसे कट कर दिया था, तो ये इस तरह से इधर से भी ब्रांचेस निकल रही, इधर से निकल रही, एक छोटी ब्रांचेस इधर भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो यहाँ पर हम वाटर की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स
हमें इसमें वाटर जो है डेली वाटरिंग करना है। बस हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि पॉट में पानी भरा ना रहे, नहीं तो उससे जो इसकी रूट्स है स्टेम में ख़राब हो जाएगी। और इसका जो फ्लोवर है वो हैवी फ्लोवर होता है, तो हमें पानी का ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा वाटरिंग ना कर दें। और अगर समर टाइम चल रहा है तो हम मॉर्निंग में अगर हमने वाटर डाला और इवनिंग टाइम में अगर इसमें हमारी मिट्टी जो सूख गई है तो हमें इवनिंग में भी इसमें जो है वाटरिंग करना है। और अगर इवनिंग में अगर इसकी मिट्टी, देखो आज तो मेरे इस मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई थोड़ी, तो इसकी मिट्टी अच्छी है, तो मैं आज इसमें वाटर नहीं डालूंगी, अभी समर टाइम ही चल रहा है। और फ्रेंड्स से बहुत ये जो प्लांट है इजी टू ग्रो हो जाएगा, बस हमें इतना इसे बारिश टाइम में ही इसे ग्रो करना है, इसके ब्रांचेस को तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस ये आप देख सकते हो मेरा जो प्लांट है इसे 6 मंथ हुए हैं, और मैंने एक छोटी सी ही ये इतनी बड़ी ही कुछ ब्रांचेस लगाई थी, और आप देख सकते हो ये अच्छा बड़ा प्लांट हो गया। फ्रेंड्स इसका फ्लोवर भी आप देख ही रहे, बहुत ही खूबसूरत फ्लोवर है। इसमें कहीं वेराइटी होती है, इसमें येलो कलर के फ्लोरिंग फ्लोवर वाला भी होता है, बट मेरे पास अभी एक ही वेराइटी है इसकी। फ्रेंड्स इसके जो मैं अगर पत्ते की बात करूँ ल्यूज़ की, तो बहुत ही अच्छे पत्ते हैं, और जो नीचे जो इसके ऐसा लगता है अगर मैंने इसे पकड़ रखा है तो नीचे से ऐसा लगता है जैसे बहुत गद्दीदार जो है, सॉफ्टर नीचे गद्दी गद्दी जैसा जो इसका पत्ती है। ये देखो मैं आपको इसको बताती भी हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट अच्छी गद्दीदार जैसे इसके लीव्स है, और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल इसके लीव्स है। फ्रेंड्स अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लगाए, बहुत ही अच्छा जो फ्लोरिंग समर फ्लोरिंग प्लांट है, इसमें समर में जो है फ्लोरिंग अच्छे से ब्लूमिंग होते हैं, बट वैसे 12 मंथ इसमें जो है फ्लोरिंग आती है। फर्टिलाइज़र तो हमें मंथली में तो यूज़ करना ही, अगर इसमें कोई मिलीबग कीड़े लग जाते हैं तो हमें जो है नीम ऑयल स्प्रे करना है इवनिंग में।